Okay, so in med sciences, let's talk about asthma today. What's asthma? Asthma is a chronic inflammatory disorder. Chronic inflammatory disorder that is characterized by wheezing, chest tightness and dyspnea, that is breathlessness. Especially kab early morning mein or at night mein. Theek hai, due to the airflow obstruction, which is reversible, may be spontaneous khud ba khud or by treatment. ठीक है, सो एस्मा को एक्चुअली बहुत सारी क्लासिफिकेशन के बेस पे क्लासिफाई किया है, बहुत सारी कॉजेज और सेल टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप इट्स क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पैथोजेनेसिस. तो सबसे पहले व्हाट सेल टाइप इज इन्वॉल्व, एस्मा इज क्लासिफाइड लाइक एजिनोफिलिक एस्मा, न्यूट्रोफिलिक एस्मा, मिक्स इन्फ्लेमेटरी एंड पोसाइक एंडोसाइटिक एस्मा. अगर स्टिमुलस पे बेस पे क्लासिफाई करें तो सीजनल एस्मा, एक्सरसाइज इंड्यूस, ड्रग इंड्यूस, ऑक्यूपेशनल. बट जो मेन क्लासिफिकेशन है जिसको हमने पढ़ना है, पैथोजेनेसिस समझनी है, दैट इज एक्सट्रिंसिक, एटॉपिक, अर्ली ऑनसेट, ठीक है, वन कैटेगरी, और इंट्रिंसिक और वी कैन ऑल्सो कॉल इट नॉन एटॉपिक और लेट ऑनसेट एस्मा. ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड कर लिया. व्हाट इज एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक यानी स्टिमुलस इज एक्सट्रिंसिक टू अवर बॉडी. ठीक है, बाहर से कोई ट्रिगर है, कोई स्टिमुलस है, उसकी वजह से जो है ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है. एटॉपिक मीन इट इज रिलेटेड विद द IgE एंटीबॉडीज, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज गोइंग ऑन, अर्ली ऑनसेट, अक्यूट ऑनसेट. ठीक है, फिर दूसरे टाइप पे आते हैं इंट्रिंसिक, यानी बाहर से कोई ट्रिगर ने पैथोजेनेसिस स्टार्ट नहीं की, पैथोजेनेसिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन विद इन आवर बॉडी सिस्टम. ठीक है, इट इज इंट्रिंसिक टू अस. एंड नॉन एटॉपिक मीन्स इट्स नॉट रिलेटेड विद द IgE एंटीबॉडीज एंड इट इज लेट ऑनसेट. ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम एक्सट्रिंसिक, एटॉपिक या अर्ली ऑनसेट एस्मा की बात करें तो ये एक टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. ठीक है, वी नो दैट हाउ दिस अकर, ड्यू टू एक्सपोजर टू एनी एक्सट्रिंसिक एलर्जेंस, और इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री. इट इज इन अकर मोस्टली इन चाइल्डहुड, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, तो फिर चाइल्डहुड में ही ज़्यादातर हमें इसको देखने को मिलेगा. और जब हम स्किन टेस्ट करते हैं एंटीजन के साथ, तो उसी वक्त क्योंकि वो एक हेरिडिटरी ऑलरेडी जो है kid has been inherited with the disorder or inherited with this response or a hypersensitivity reaction, तो उसी वक्त wheal and flare response हमें मिलेगी, that is a positive skin test. तो this confirms the extrinsic asthma or atopic asthma, and it is triggered by mostly by dust, pollen or any other extrinsic allergen. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक intrinsic की, non atopic की, पहले तो हमने कहा नॉन एटॉपिक का मतलब है सीरम IgE लेवल्स आर नॉर्मल, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन और इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द IgE. ठीक है ना, अब अगर हम बात करें इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो हमारे हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रीशन है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है सिंपैथेटिक है, पैरासिंपैथेटिक है. पैरासिंपैथेटिक इज कंट्रोल बाय कोलिनर्जिक एंड सिंपैथेटिक इज बाय एडिनर्जिक फाइबर्स. तो कॉलिनर्जिक में हमारे पास, हमें पता है कॉलिनर्जिक में मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक, बट वी आर नॉट गोइंग टू द दैट डीप. कॉलिनर्जिक एंड एडिनर्जिक में क्या है, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, सो कॉलिनर्जिक एंड अल्फा एडिनर्जिक, दीज टू फाइबर्स कॉजेज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इन नॉर्मल फिजियोलॉजी. ठीक है, बीटा एडिनर्जिक कॉजेज ब्रोंको डायलेशन, दैट्स नॉर्मल. बट एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सरसाइज, पॉल्यूटेंट्स, इमोशंस, एस्पिरिन, ये सब क्या करते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इन द इंट्रिंसिक एस्मा और नॉन एटॉपिक एस्मा. तो वो असल में करते क्या है, इंट्रिंसिक हम क्यों उन्हें बोल रहे हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं कॉलिनर्जिक इन अल्फा एडिनर्जिक फाइबर्स को. ठीक है, दैट लीड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. And we know that asthma is actually an obstructive lung disease. तो obstructive lung disease में ये तमाम symptoms और तब आएंगे जब patient exhale करेगा और expire करेगा. ठीक है, because we know that in an obstructive lung disease the problem is with the expiration. We take in breath, we take in air normally, but we cannot take it out. ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास दो और क्लासेस है, ड्रग इंड्यूस एंड ऑक्यूपेशनल, जो कि अगर हम देखें तो वो उन्हीं कैटेगरी में ही आ जाते हैं, नॉन एटॉपिक या फिर इंट्रिंसिक में. ड्रग इंड्यूस लाइक एस्पिरिन की हमने उसमें बात की, तो एसोसिएटेड विद द रिकरेंट राइनाइटिस, नेजल पॉलिप्स, एसोसिएशन याद रखनी है, लो डोज एस्पिरिन. ठीक है, लो डोज एस्पिरिन एंड और या फिर एनसेड्स भी करवा सकती हैं, लेकिन उसके साथ जो एक एसोसिएशन है, दैट इज अर्टिकेरिया कैना खर. इनहिबिट द एस्पिरिन क्या करता है, जो हमारे पास जो पाथवे है कॉक्स
cyclooxygenase pathway that lead to the formation of the prostaglandins, and then we have another pathway that lead to the formation of leukotriene, that is LOX pathway. So actually aspirin inhibit the cyclooxygenase pathway but not the leukotrienes. So leukotrienes are तो जो हमारे पास शिफ्ट हो जाती है, शंट हो जाती है, वो पाथवे अगर नहीं हो रही तो फिर ल्यूकोट्राइन में वो शंट हो जाती है, एंड दैट लीड टू अ लॉट ऑफ ल्यूकोट्राइन फॉर्मेशन. ठीक है, दैट कॉजेज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इन एस्पिरिन इंड्यूस्ड. ऑक्यूपेशनल में लाइक फ्यूम्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, वुड, गैस, एनीथिंग दैट इज स्टिमुलस इन इन कॉजेज इंट्रिंसिक और नॉन एटॉपिक एस्मा. अब जो एस्मा है वो तीन फॉर्म में अपीयर हो सक्ती है. ठीक है, एक अक्यूट है, एक क्रॉनिक है और एक सीवियर अक्यूट एस्मा है. उसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस भी कहते हैं. अक्यूट की बात की जाए तो उसमें हमें कैसे मिलेगा, एक तो अक्यूट ऑनसेट होगा ऑब्वियसली, दैट इज करेक्टराइज बाय वीजिंग एंड डिस्निया. ठीक है, क्रॉनिक की अगर विद इन आवर और विद इन मिनट्स भी हो सकता है. ठीक है, अगर क्रॉनिक की बात की जाए दैट इज चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, डिस्निया ऑन एग्जर्शन. ठीक है, एंड स्पंटेनियस कफिंग एंड डिस्निया एट नाइट. ठीक है, और सीवियर अक्यूट एस्मा या फिर स्टेटस एस्थमेटिकस में क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स होते हैं एस्मा के, उसमें सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया भी मिलेगी. ठीक है, तो स्टेटस एस्थमेटिकस एक्चुअली अ मोस्ट क्रॉनिक फॉर्म ऑफ एस्मा है. अच्छा, अगर हम नॉर्मल एयरवे की बात करें, जो हमारी रिस्पायरेटरी एपिथीलियम है, दैट इज़ करेक्टराइज बाय अ वेरी थिन लेयर ऑफ म्यूकस. ठीक है ना, जस्ट फॉर लुब्रिकेशन एंड मॉइस्टनिंग. म्यूकस की लेयर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली बहुत ही थिन लेयर म्यूकस की होती है. देन इन एपिथीलियम, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोप्रिया जिसमें हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद आगे स्मूथ मसल, देन ग्लैंड्स, देन कार्टिलेज. नॉर्मल है. अगर हमारे पास एयरवे एस्मा में कैसे हमें दिखेगी, अ हाई म्यूकस प्लग, अ लॉट ऑफ म्यूकस इज प्लग्ड हियर, देन गॉबलेट सेल्स. ठीक है, गॉबलेट सेल्स यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो गॉबलेट सेल एक्चुअली मेटाप्लेजिया हम कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है या बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन मैक्रोफेजेस यू कैन सी इन द लेमिना प्रोप्रिया. अ लॉट ऑफ मैक्रोफेजेस, दे आर नॉर्मली मैक्रोफेजेस नहीं होते. फिर स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी हुए, हाइपरप्लास्टिक हुए भी होते हैं. ग्लैंड्स आर हाइपरप्लास्टिक, देन कार्टिलेज. और मास सेल्स वगैरह भी हमें मिलेंगी, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, जितने भी हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो भी हमें लेमिना प्रोप्रिया में मिलेंगी. अगर पैथोजेनेसिस की बात करें, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, टी हेल्पर टू सेल्स. ठीक है, टी हेल्पर टू सेल्स ही एक्चुअली एस्मा में तमाम ये कार्रवाई कर रही होती है. ठीक है, वही हमारे पास सेंसिटाइज होते हैं, वही सब कुछ करवा रहे होते हैं. द रियल कल्प्रिट इज़ द टी हेल्पर टू सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पैथोजेनेसिस की हमें बात करनी है तो एस्मा में क्या होता है कि ऑब्वियसली वी नो दैट अगर हम बात करते हैं एटॉपिक एस्मा की, ठीक है, तो उसमें फर्स्टली हमें पता है कि ये हेरिडिटरी है. ठीक है, और ये चाइल्डहुड में होता है. तो इसमें क्या होता है कि एट फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी एलर्जन, एनी पॉलन और एनी डस्ट और एनी एलर्जन एक्सट्रिंसिक टू द बॉडी, ठीक है, जब वो उसकी एक्सपोजर होती है, वो हमारी जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, वो उनको सेंसिटाइज कर देती है. सेंसिटाइज कर देती है मतलब उनको मेमोराइज करवाती है कि याद रखना कि मैं पहले आया हूँ, तो मैं मेरे बाद में आने पे ओवर रिएक्ट करना है. ठीक है ना, तो इट्स लाइक दैट. तो सेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट एलर्जन आपके बॉडी में एक्सपोज हो गए किसी बच्चे की, ऑब्वियसली चाइल्डहुड है, तो दैट स्टिमुलेट द टी हेल्पर टू सेल्स. एक्चुअली होता क्या है, होता कुछ यूँ है सेंसिटाइजेशन के, ये पॉलिन है, ये एक एंटीजन है. ठीक है, एलर्जन है. डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको इंगल्फ किया और उसको प्रेजेंट कर दिया टी हेल्पर टू सेल्स को. TCR पे टी सेल रिसेप्टर्स जो है उन पे जाके वो बाइंड हो गया. टी हेल्पर टू सेल्स क्या करता है, दो ऐसी चीज़ें बना देता है कि वो फिर वो बस वो उसको याद रखवा देती है कि भाई याद रख लो आया था कोई अल्फा, एक तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, ये दो चीज़ें बना के ना बस इसने सेंसिटाइज कर देना है, एक तो बी सेल्स को, ठीक है, और इजिनोफिल्स को. इंटरल्यूकिन 4 जाके बी सेल्स पे लगता है और IgE क्लास स्विचिंग करवाता है कि अब तुम IgE बनाना शुरू कर दो. ठीक है, अब वो IgE एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है. इजिनोफिल इंटरल्यूकिन 5 क्या कहता है कि इजिनोफिल को इनवाइट कर देता है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी काम है यहाँ पे. ठीक है, तो क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4, IgE क्लास स्विचिंग एंड दैट्स इट, ये हो गया. ठीक है, अब मास सेल्स पे हमारे ये जो IgE बन चुके हैं बी सेल्स से, ये जाके लग जाते हैं और मास सेल्स ये हमारे वाले जाके एपिथीलियल सेल्स पे भी जाके रिजाइड करते हैं और लेमिना प्रोप्रिया के अंदर भी रिजाइड करते हैं. अब ये बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए.
तो ये सेंसिटाइजेशन हुई. एंड थर्ड इंटरल्यूकिन इज 10. ये क्या करता है, ये इन टी हेल्पर वन सेल्स को इनहिबिट करता है ताकि टी हेल्पर टू सेल की प्रोटेक्शन प्रमोट होती रहे. टी हेल्पर वन सेल्स एक्चुअली टी हेल्पर टू सेल्स को इनहिबिट करते हैं, तो टी हेल्पर वन सेल्स को ये इनहिबिट कर देता है ताकि टू अपना काम करता रहे. अपॉन री एक्सपोजर दो चीज़ें होती हैं, दो रिस्पॉन्स होती हैं, एक अर्ली फेज जिसको हम अक्यूट रिएक्शन कहते हैं, एक लेट फेज रिएक्शन होता है. अर्ली फेज विद इन मिनट्स एंड लेट फेज गोज टिल 24 आवर्स. ठीक है, तो अच्छा अर्ली फेज में क्या होता है, इमीडिएट फेज, अर्ली फेज और अक्यूट फेज. पहले पहले से हमारे मास्क सेल सेंसिटाइज हैं. अब जब एंटीजन आ गया है तो क्या होता है कि ये एंटीजन आके एक तो वेगल नर्व को स्टिमुलेट कर देता है और दूसरा ये मास्क सेल्स के आईजीई जो एंटीबॉडीज लग चुके हैं पहले से उन पे जाके लग जाता है. ठीक है, अब वेगल्स वेगल्स क्या करते हैं, एफरिन नर्व फाइबर्स, वो एक तो उनका ये काम है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, और वैसो डायलेशन करवाएंगे, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी दैट कॉजेज एडिमा. ये सब सारा का सारा इमीडिएट फेज या अर्ली फेज में हो रहा है. एडिमा कॉज हो गया, वैसो डायलेशन हो गई है, ठीक है, और इन्होंने क्या करवाई, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. अब जो मास सेल्स पे आके लग गए हैं तो मास सेल्स क्या करवाते हैं, मास सेल्स भी कुछ ऐसे मीडिएटर रिलीज करते हैं जो कि वेगल एफरेंट नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो अपना काम परफॉर्म करता है. तो मास सेल्स और भी बहुत सारे मीडिएटर रिलीज कर देता है, जो फ्लूइड जो है उसकी वैसोडायलेशन करवाते हैं, बहुत सारे ल्यूकोट्राइन C4D4E4 जो कि हाइपर प्लास्टिक करवा देते हैं स्मूथ मसल सेल्स को, और एडिमा कॉज करवाते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन करवाते हैं बाय प्रोड्यूसिंग PGD2 प्रोस्टाग्लैंडिन D2. ठीक है, ये तो तमाम बात हुई हमारी अर्ली फेज.